Hey guys, what's going on everyone? Welcome back to another video of Watch Realm. तो guys, इस वीडियो में हम Doctor Strange in the Multiverse of Madness में Iron Man के cameo के बारे में बात करेंगे. So let's start the video. But before that, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें. तो guys, recently Doctor Strange 2 के राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने ये कंफर्म कर दिया था कि Multiverse of Madness में Iron Man का cameo होने वाला था. इवन एक पॉइंट में उन्होंने ये भी कंसिडर किया था कि टॉम क्रूज के आयरन मैन को ही लाया जाएगा, बट जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ. बट मूवी में आयरन मैन का प्रेजेंस तो हमने जरूर फील किया जब हमने उन अल्ट्रॉन बॉट्स को देखा. एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद उन अल्ट्रॉन बॉट्स को रीड रिचर्ड्स ने बनाया होगा, एंड वो हो भी सकता है as he is the smartest man on the planet. बट ये तो रहे हमारे assumptions. Like हमने मूवी में तो ये कहीं नहीं सुना कि रीड रिचर्ड्स ने ही अल्ट्रॉन बॉट्स को बनाया है. एंड हम आयरन मैन को इसलिए ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि पहली बात तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन ने ही अल्ट्रॉन बॉट्स को बनाया था. आपने अगर नोटिस किया होगा तो इन अल्ट्रॉन बॉट्स का डिजाइन भी सुपीरियर आयरन मैन वाले सूट से बहुत सिमिलर है. एंड मूवी में सुपीरियर आयरन मैन के कैमियो के भी रूमर्स थे. एंड जैसे कि मैंने कहा, माइकल वॉल्ड्रॉन ने खुद बोला कि उनका प्लान था आयरन मैन को इंक्लूड करना, एंड मे बी वो भी सुपीरियर आयरन मैन को ही लाना चाहते थे. सो अल्ट्रॉन बॉट्स का डिजाइन भी सुपीरियर आयरन मैन के सूट से बहुत सिमिलर है. सो मे बी हमें जो पहले रूमर्स मिल रहे थे लाइक टॉम क्रूज सुपीरियर आयरन मैन बनने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, वो पूरी तरह से गलत नहीं थे और यहाँ से ही आ रहे थे. एंड ऑल्सो गाइस, आपने अगर नोटिस किया होगा तो इल्यूमिनाटी के हॉल में हमने टोटल 6 चेयर देखे थे, बट उनमें से एक चेयर खाली था. लाइक हमने मिस्टर फैंटास्टिक, कैप्टन मार्वल, कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, मॉर्डो सभी को अपने चेयर में बैठते हुए देखा, और प्रोफेसर एक्स तो अपने खुद की सवारी लेके घूमते हैं. सो वो 6th वाला चेयर किसका था? सो गाइस, ये डेफिनेटली हो सकता है कि वो खाली चेयर किसी और का नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के आयरन मैन का हो, और मार्वल ने शायद उसे इसलिए खाली रखा ताकि फैंस इसके बारे में गौर करें एंड इसके ऊपर ज्यादा सोचें. लाइक सोचा जाए तो वो खाली चेयर सुप्रीम स्ट्रेंज की मेमोरी में भी रखा गया हो, ये हो सकता है. बट लेट्स बी लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. लाइक ऑलमोस्ट हर किसी ने यही रिपोर्ट किया था कि टॉम क्रूज का आयरन मैन मूवी में होने वाला है. लाइक बहुत से रिलायबल सोर्सेस ने भी यही बोला था. एंड लाइक लोग जैसे बोल रहे हैं कि शायद उनका कैमियो मूवी से कट कर दिया गया हो, तो गाइस ऐसा नहीं हो सकता. लाइक यहाँ पे हम टॉम क्रूज की बात कर रहे हैं, किसी और के नहीं. लाइक आपको लगता है कि लाइक मार्वल उन्हें पहली बात तो कास्ट करेगी, एंड वो टॉम क्रूज हैं तो उनका चार्ज कितना होगा वो सोच लीजिए. एंड रिसेंटली उनके दो मूवीज के भी शूटिंग चल रहे थे लाइक टॉप गन मैवरिक एंड मिशन इम्पॉसिबल 7, तो वो उन्हें छोड़कर चलो आ भी जाएंगे मूवी की शूटिंग के लिए, और वो शूटिंग भी कर लेंगे, बट एट द एंड मार्वल उनका सीन ही काट देगी. लाइक सोचिए कैसा हो सकता है. सो गाइस, मेरे हिसाब से मार्वल ने टॉम क्रूज के आयरन मैन के लिए जरूर ओपनिंग रखी है, लाइक वो अल्ट्रॉन बॉट्स एंड वो एम्प्टी चेयर. एंड मे बी हमें इस मूवी में ही वो देखने मिल जाते, बट शायद उनके टाइट स्केड्यूल एंड पैंडेमिक के लिए ये नहीं हो पाया. सो मार्वल ने ये टीज दिया कि इस यूनिवर्स में भी एक आयरन मैन रहता है जिसको हम फ्यूचर में देखेंगे, मे बी इन सीक्रेट वॉर्स या नेक्स्ट किसी मल्टीवर्स प्रोजेक्ट में. सो मार्वल ने इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल रखी है. एंड वी ऑल नो कि मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पहले टॉम क्रूज को अप्रोच किया था आयरन मैन के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया था. बट उसको तो बहुत टाइम जा चुका है, एंड अभी क्या पता कि वो भी इंटरेस्टेड हो मार्वल को ज्वाइन करने के लिए. सो गाइस, अब तो ये पूरी तरह से पक्का हो गया है कि हमें फ्यूचर में एक आयरन मैन का वेरिएंट जरूर देखने मिलेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो टॉम क्रूज ही होंगे. अस मार्वल ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो भी टॉम क्रूज के आयरन मैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए कंसिडर कर रहे थे. एंड गाइस, मेरे पास एक थ्योरी भी है कि मार्वल टॉम क्रूज के आयरन मैन को कैसे एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर सकती है. तो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि वांडा ने पूरी इल्यूमिनाटी को ही साफ कर दिया मॉर्डो को छोड़कर, सो मे बी उस टाइम टॉम क्रूज का आयरन मैन किसी मिशन पे होगा, मे बी आउट ऑफ अर्थ. एंड जब वो लौटेंगे तो मॉर्डो उन्हें पूरी बात बताएगा, तो वो रिवेंज लेना चाहेंगे मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज से, आज उन्हीं के लिए ही वहां वांडा आई थी, और मे बी डायरेक्ट वांडा से. एंड उसके लिए वो अर्थ 616 एंटर करेंगे, यानी एमसीयू में. एंड गाइस, वी ऑल नो कि सुपीरियर आयरन मैन का वेरिएंट हमारे वाले आयरन मैन से बहुत डिफरेंट है. लाइक ये उससे पावरफुल तो है ही और थोड़ा इविल एंड साइको है. सो वो अपने डेड टीम के लिए विंजफुल तो जरूर होगा. लाइक हमारे आयरन मैन होते तो शायद माफ कर देते जैसे उन्होंने बकी को किया, बट आज ये वेरिएंट थोड़ा इविल होगा तो ये रिवेंज तो जरूर लेगा. तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, एंड प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स आल्सो. एंड आगे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज एंड ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. एंड दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.